हेलो फ्रेंड्स, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अचानक में कोई मेहमान आ जाता है तो आपको लगता है कि हम उसे क्या बना के खिलाएं। आज मैं आपको घर के ही सामानों से एक ऐसी सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी कि लोग खाकर आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रुक पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दम आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज। जितने आलू उतने ही प्याज। प्याज को हमें महीन महीन लंबा लंबा काटना है और आलू को हमें थोड़े बड़े पीसेस में काटना है। देखिए, आलू को मैं पीलर से छील लूँगी। फिर इसे हमें केवल ऐसे दो पीसेस में और इसके आधे करने हैं। साथ ही साथ इसमें मुझे हमें छेद करने हैं ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरीके से भर जाए। इसी तरीके से हमें सारे आलू तैयार करने हैं और प्याज को हमें इस तरीके से लंबा लंबा काट के रख लेना है। देखिए, मैंने अपने सारे आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में काट के रख लिया और इसी प्रकार से अपना प्याज भी काट के रख लिया है। अब ये मैंने एक बड़ा बॉल लिया है, इसमें हम अपने सारे आलूओं को डाल देंगे। फ्रेंड्स, जब अगर आपके घर में अचानक में कोई मेहमान आ जाता है उनके लिए ये सब्ज़ी बनाना बहुत आसान होता है, झटपट तरीके से बन जाती है। और अपना प्याज भी इसी में डाल देंगे, साथ ही साथ अपना हल्दी पाउडर। ये मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच सौंफ लिए, सौंफ इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ा देगी। एक चम्मच धनिया लिया है, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच ये सॉल्ट का पाउडर लिया है। ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसी अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिया है मैंने, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ ये एक कटोरी मैंने दही लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। इसमें अपना नमक ऐड कर देंगे और ये मैंने दो बड़े चम्मच तेल लिया है, इसको मैंने खौलाकर ठंडा कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, बस 5 मिनट के लिए हमें ढक के रखना है। अब गैस पर मैंने एक कुकर लिया है और उसमें मैं ये 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, उन्हें पतली पतली काट लिया है, उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। उन्हें अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। अब ये मैंने मेरा लहसुन लाल हो गया। अब इसमें मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है, इन्हें भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा भुन जाने देते हैं।
देखिए हमारा टमाटर अच्छे से भुन गए, इससे तेल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें अपने आलू ऐड कर दूंगी। और इसे 5 मिनट अच्छे से भुनने देते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मसाला बचा था, ये ज़रा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। 5 मिनट भून लेते हैं इन्हें। फ्रेंड्स देखिए हमारे आलू अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। अब मैं अपने कुकर का ढक्कन बंद कर दे रही हूँ और इसमें 2 से 3 बिसल आने देते हैं। देखिए मेरे कुकर में बिसल आने लगी है। अब इसी तरीके से 2 से 3 बिसल आने के बाद हम इसे ठंडा होने रख देंगे और फिर खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे कुकर में 6 से 7 सीटी आ गई हैं और इसका प्रेशर भी निकल गया है। अब हम अपना कुकर खोलते हैं और ये देखिए मेरे आलू बिल्कुल परफेक्टली बन गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। ये देखिए आराम से कट हो रहे हैं। तो देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर कितने अच्छे आलू बनके तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे आलू बनकर के तैयार हो गए हैं। इसे मैं थोड़े से हरे धनिए से गार्निश करूँगी। और ये लीजिए 5 से 10 मिनट में आपकी आलू की सब्ज़ी झटपट बनकर तैयार हो गई। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसे जल्दी से बनाकर खिलाइए, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो अगर फ्रेंड्स में आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।